बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने बीएस मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट कोर्स कैलकुलस टू जो है ये स्टार्ट किया हुआ है, और इस कैलकुलस टू में मैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 9 फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल जो है इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर जिस बुक को फॉलो कर रहा हूँ वो आपकी कैलकुलस है, रिटन बाय एसएम यूसुफ। इसमें इस चैप्टर में मैं ऑलरेडी 20 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। अब अगर अभी तक आपने वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे चैप्टर की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। तो एक्सरसाइज 9.5 हम लोग पढ़ रहे हैं, और एक्सरसाइज 9.5 में मैं क्वेश्चन नंबर 13 तक जो है वो कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज के लेक्चर में 9.5 में हम दो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 16। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आपके हैं ऑर्थोगोनल सरफेसेस से रिलेटेड। तो सबसे पहले आप ऑर्थोगोनल सरफेसेस की डेफिनेशन देख लें। जिस तरह हम ऑर्थोगोनल वेक्टर के मुतालिक पढ़ के आए हैं, इसी तरह ही ऑर्थोगोनल सरफेसेस हैं। तो ऑर्थोगोनल सरफेसेस को बेटा इस तरह डिफाइन करते हैं, टू सरफेसेस F एंड G आर सेट टू बी इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। दो सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनल करती हैं, या वो दोनों ऑर्थोगोनल होती हैं एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ़ द ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ बोथ सरफेसेस एट पॉइंट P आर ऑर्थोगोनल। यानी दो सरफेसेस को आप ऑर्थोगोनल सरफेसेस कहेंगे अगर उन सरफेसेस के ऊपर ड्रा किए जाने वाला जो ग्रेडियंट वेक्टर है वो ऑर्थोगोनल हो। और आप जानते हैं कि दो वेक्टर ऑर्थोगोनल तब होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो जीरो के इक्वल आता है। तो यहाँ पर सरफेस एफ़ और सरफेस जी जो है ये ऑर्थोगोनल होंगी अगर आप एफ़ का ग्रेडियंट निकालेंगे और जी का भी ग्रेडियंट निकालेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और वो आंसर जीरो के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है। तो एक्सरसाइज 9.5 में जो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरह है, कहता है शो डैट द सरफेसेस जेड इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर एंड 63 जेड इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। आपने प्रूफ करना है कि ये दोनों सरफेसेस ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले आपने इन दोनों सरफेसेस के दरमियान एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी लेट करना होगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो डेफिनेशन मैंने ऊपर आपको लिखवाई है क्वेश्चन के अंदर, आप लिख देंगे कि दो सरफेसेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली करती हैं एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी के ऊपर अगर उनका ग्रेडियंट वेक्टर जो है वो ऑर्थोगोनल हो। यानी ये ऊपर वाली सारी स्टोरी आप बीच में क्वेश्चन में लिख देंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ। लेट ये जो मेरे पास पहली जो सरफेस है इसका नाम हम रख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जेड इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, इसे मैं 1 कह देता हूँ, और ये जो दूसरी है उसे हम 2 कह देते हैं, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसे हम क्वेश्चन नंबर 2 कह देते हैं। लेट पी एक्स वन वाई वन जी वन बी दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2। ये इनके दरमियान इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है आपने, तो अगर मैं यहाँ पर 1 और 2 दोनों को ऐड कर लेता हूँ बाय एडिंग वन एंड टू वी हैव ये 63z और ये इधर आ जाएगा 63z प्लस जेड इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और इसके साथ ये चीज़ आ जाएगी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी, इधर आ जाएगा आपके पास 16 और इधर आ जाएगा 64z इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से बेटा आपके पास जेड की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 16/64 डैट इज़ 1/4। ठीक होगी बात ये। तो सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी जो है वो आपके पास आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी आपके पास बन जाएगा
पी के कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, ये जी है या इसे जी वन कह लेंगे आप, तो जी वन की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। अब आप यहाँ पर एक्स वन और वाई वन की वैल्यू यहाँ से नहीं निकलेगी, ठीक है, आप यहाँ पर जी वन की वैल्यू किसी एक क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं, ठीक है, तो आप देखें कि दूसरी जो बाकी जो रिमेनिंग इक्वेशन बचेगी वो आपके पास दो वेरिएबल एक्स और वाई में आ जाएगी। पुट कर दें, पुट जी वन इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर, चलें वन में पुट कर लेते हैं, या चलें टू में कर रहे हैं, टू में पुट करना आसान हो जाएगा, टू में पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर इक्वल टू 63, और z कितना है 1/4 है z1। अच्छा अब यहाँ पर चूँकि मैंने ये z1 की वैल्यू पुट की है तो यहाँ पर भी आप x और y को भी रिप्लेस करते हैं x1 से y1 से, ठीक है, तो x1 स्केयर प्लस y1 स्केयर आ जाएगा आपके पास 63/4 के बराबर। अब आप देखें यहाँ पर आप इस इक्वेशन से, अब ये z1 की वैल्यू आप चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, दोनों सूरतों में आपको यही इक्वेशन मिलेगी x1 का स्केयर प्लस y1 का स्केयर इक्वल टू 63/4। यानी कि यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं x1 और y1 की वैल्यू भी निकाल लूँ तो डैट इज़ नॉट पॉसिबल, आपके पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट की यहाँ पर वैल्यू निकलेगी, डैट इज़ 1/4। और यहाँ पर जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, यहाँ पर हमें ये x1 और y1 की वैल्यू की कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, हमारा इसी से काम चल जाएगा बस। अच्छा अब हमने करना ये है कि ये जो 1 और 2 है इसको इस तरह लेट कर लेते हैं, लेट आपकी जो पहली सरफेस है एफ एक्स वाई जी इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं, ठीक है, या जेड को सिर्फ आप इस तरफ ले जाएं तो ये आ जाएगा 16 - x² - y², जेड को आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा -z, ठीक है, इक्वल टू 0 रह जाएगा, ये आपका एफ आ गया। इसी तरह यहाँ से आप जी निकाल लें तो यहाँ से जी एक्स वाई दूसरी जो क्वेश्चन है वहाँ से जी एक्स वाई जी ये दूसरी सरफेस बना लेंगे आप, जी को दूसरी तरफ ले जाएंगे, आ जाएगा एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर। नहीं बेटा अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इनके पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं ग्रेडियंट निकालने के लिए, तो एफ़ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा हमारे पास -2x, विद रिस्पेक्ट टू वाई इसका पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा -2y, और विद रिस्पेक्ट टू जेड इसका पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा -1, ठीक होगी बात। सिमिलरली यहाँ पर जी के पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, जी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा 2x, विद रिस्पेक्ट टू वाई आ जाएगा 2y, और विद रिस्पेक्ट टू जेड इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव बनेगा वो आ जाएगा -63, ठीक होगी बात ये। नहीं जी नेक्स्ट यहाँ पर बेटा हम ग्रेडियंट ऑफ एफ निकाल लेते हैं, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ का फार्मूला आप जानते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो ये हमारे पास बन जाएगा -2x, -2y, -1, ठीक होगी बात ये। इसी तरह यहाँ पर जो ग्रेडियंट ऑफ जी हमारे पास निकल आएगा वो आ जाएगा 2x, 2y, -63। अब इस ग्रेडियंट इन दोनों ग्रेडियंट्स में आप अपना पॉइंट पी पुट कर दें तो ग्रेडियंट एफ ऐड पॉइंट पी आपके पास आ जाएगा, तो पॉइंट पी हमारे पास क्या निकला है, पॉइंट पी ये था, इसमें एक्स की जगह एक्स वन पुट करेंगे, वाई की जगह वाई वन ही पुट करेंगे, यहाँ पर वाई वन आएगा, और जेड वन की जगह 1/4 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा -2x1, -2y1, और जेड कंपोनेंट इसमें है ही -1, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। इसी तरह इधर आप पुट करेंगे ग्रेडियंट ऑफ जी एट पॉइंट पी, तो वो आ जाएगा 2x1, 2y1, और ये 63 आ जाएगा ऐसे ही, यानी जेड इसमें आई नहीं है। नेक्स्ट बेटा ये हम दोनों ग्रेडियंट जो वेक्टर निकले हैं, बस आपने काम आखिरी काम ये है कि इन दोनों का आपने निकालना है डॉट प्रोडक्ट, और आपने डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो के इक्वल प्रूफ करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास -2x1, -2y1, -1 × 2x1, 2y1 और -63, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा। डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं किस तरह निकालते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये आ जाएगा -2x1 × 2x1 प्लस सेकंड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये आ जाएगा -2y1 × 2y1 और थर्ड से मल्टीप्लाई आ जाएगा -, -+63 आ जाएगा।
अब ये आपके पास बन जाएगा माइनस फोर एक्स वन का स्क्वायर माइनस फोर वाई वन का स्क्वायर प्लस 63। माइनस फोर कॉमन निकाल लेंगे, ये आ जाएगा एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर प्लस 63। और लास्ट काम बाय यूजिंग थ्री। और थ्री आपके पास क्या थी, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर थ्री है, एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू 63/4 के बराबर है ये, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स वन प्लस वाई वन स्क्वायर को आप 63/4 पुट कर देंगे, तो बाय यूजिंग थ्री ये आपके पास सारी चीज़ आ जाएगी इस तरह, माइनस फोर इंटू 63/4 प्लस 63, फोर फोर से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 63 प्लस 63 इक्वल टू 0। और यही आपने प्रूफ करना था, दिस इम्प्लाइज ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ग्रेडियंट ऑफ जी एट पॉइंट पी इज इक्वल टू 0, हैंस टू सरफेसेस आर ऑर्थोगोनल, टू सरफेसेस आर ऑर्थोगोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, बिल्कुल इसी तरह ही है। इस मरतबा कहता है शो डैट द एलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर ओवर 12 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 16 प्लस जेड स्क्वायर ओवर 12 इक्वल टू 1 एंड द हाइपरबोलाइड वाई स्क्वायर ओवर 3 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल टू 1। आपने इनको प्रूव करना है, इंटरसेक्ट करते हैं ऑर्थोगोनली। तो पहले मैंने इसको 1 का नाम दे दिया और दूसरी जो हाइपरबोलाइड है उसको 2 का नाम दे दिया। अब यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई 2/1/12, इस 2 को 1/12 से मल्टीप्लाई कर दें एंड देन एडिंग विद 1, और 1 के साथ ऐड कर दें। वी हैव, इसको जब आप 1/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा वाई स्केयर ओवर 36, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्केयर बाई 12, ये आ जाएगा माइनस जेड स्केयर बाई 12। इधर ये लेफ्ट साइड सारी आ गई, इधर ये वाली 1 की लेफ्ट साइड आ गई, एक्स स्केयर बाई 12 प्लस वाई स्केयर ओवर 16 प्लस जेड स्केयर ओवर 12 इक्वल टू, इसको 1/12 से मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड 1/12 आ गई, इधर ये 1 आ गया, ये कैंसिल कर दिया, एक्स और जेड वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, वाई स्केयर इक्वल टू 12 आ जाएगा। ये सारा वाई स्केयर ओवर 36 और वाई स्केयर ओवर 16 दोनों को प्लस कर लें, इधर इसका एलसीएम ले लें, फाइनल करेंगे तो वाई स्केयर 12 आ जाएगा, वाई की वैल्यू प्लस माइनस 2/3 आ जाएगी। अब लेट कर लें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 और 2, 1 और 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो पी एक्स वन वाई वन जी वन है। यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूरी नहीं कि एक्स वन वाई वन जेड वन लेट करना है, आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी एक्स वाई जी है, यानी एक्स वन वाई वन जी वन की जगह एक्स वाई जी भी ले सकते हैं। अच्छा, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में एक्स वन वैसे का वैसे आ जाएगा, वाई वन की वैल्यू ये आ गई और जेड वन वैसे का वैसे आ गया। जैसे मैंने पहले बताया कि आप यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपोनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, या एक्स वन या वाई वन या जी वन, किसी एक की निकलेगी इन क्वेश्चंस में, बाकी दोनों नहीं निकलेंगे। अच्छा, अब हमने ये जो वाई वन की वैल्यू निकली है इसे हम क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं नई क्वेश्चन क्या बनती है। आप चाहे 2 में पुट करें या 1 में पुट करें, क्वेश्चन एक जैसी आएगी। 2 में पुट करेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर लें, या दूसरे अल्फाज में y स्क्वायर की वैल्यू 12 यहाँ पर पुट कर दें, तो पुट करने के बाद ये आपके पास सारा सॉल्व करने के बाद नई जो क्वेश्चन बनेगी वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 3। और यहाँ पर यानी कि इस क्वेश्चन में p की वैल्यू पुट कर दें, p की वैल्यू का मतलब है x की जगह x1 पुट कर दिया और z की जगह z1 पुट कर दिया, तो y तो इसमें है नहीं, तो ये नई क्वेश्चन आ गई, इसे क्वेश्चन नंबर आप 3 कह देंगे। अब अगला काम वही है, इसको मैं एफ को क्वेश्चन नंबर 1 से मैं एफ बना लूँगा, क्वेश्चन नंबर 2 से जी बना लूँगा, फिर उन दोनों का ग्रेडियंट मालूम करूँगा, ग्रेडियंट निकालने के बाद दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूँगा, डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, 0 आना चाहिए, और उसमें ये क्वेश्चन इस्तेमाल होगी एंड में जाकर। तो आई होप के रिमेनिंग क्वेश्चन जो रह गया है वो आप खुद कर लेंगे, मेरा मकसद आपको हिंट देना था और वो मैंने पहला क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिया, ठीक है, ये आप खुद कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की बेटा आपको समझ आ गई होगी, फिर भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो ये मेरा जो नंबर आपके सामने आ रहा है आप इसमें मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़ जी।